फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आप सबकी प्यारी ट्रैवल बाज गर्ल और आज मैं फिर आ गई हूँ अपना डे टू की जर्नी लेकर। तो आज हमारा डे टू है और आज हम लोग मेनली कवर करने वाले चिलिका लेक, और फिर जैसे टाइम रहेगा वैसे ही, अगर टाइम ज़्यादा बच गया तो स्वर्गद्वार बीच है उसकी हम लोग नाइट शॉपिंग करेंगे। तो अभी कैसा हुआ ना, हम लोग जैसी होटल से निकले थे, यहाँ भैया ने एक जगह पे रोका है रास्ते में, ये बेसिकली यहाँ के समोसे साथ अच्छे मिलते हैं, तो बस हम लोग यहाँ समोसा खाने के लिए रुक गए। बाकी इनके पास काफ़ी सारा और भी ब्रेकफास्ट का आइटम है, डोसा है, वड़ा है, इडली है, फिर इनके पास काफ़ी पकौड़े भी हैं। तो ये एक प्लेस ब्रेकफास्ट की है, तो ब्रेकफास्ट तो हम कर चुके थे बट समोसे के लिए हम यहाँ पर रुके हैं। इसके बाद जाएंगे चिलिका लेक। तो चिलिका लेक जो है दोस्तों, वो पूरी से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और एक से डेढ़ घंटा लगता है पहुँचने में, क्योंकि सिंगल रोड है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलते फटाफट अंदर होटल की तरफ, समोसा इंजॉय करके फिर निकलते हैं चिलिका के लिए। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारा समोसा आ गया है। ये एक प्लेट इन्होंने दी, उसमें चार समोसे हैं, मटर है और दो तरीके की चटनी है। तो चलिए फटाफट अब हम लोग देखते हैं कि समोसे कैसे हैं। आलू अगर आप देख रहे हो तो अंदर, और ये देखिए मटर वगैरह पड़ी हुई है, और जैसे आपको मैंने दिखाया इन्होंने हम लोगों को साथ में मटर चटनी नारियल चटनी का सर्व किया है, जो काफ़ी अलग लगा। तो मतलब हम लोग को नॉर्मली चटनी के साथ खाने की हैबिट है, बट यहाँ पे नारियल चटनी और मटर भी दिए हैं। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं कैसे। पहले हम सब समोसा खाएंगे। दोस्तों समोसा वाकई में यम है, बहुत टेस्टी है। मतलब 30 रुपीज़ प्लेट है और इतना अच्छा टेस्टी समोसा मिला है ना कि मज़ा ही आ गया है वाकई में। यहाँ पे उड़ीसा में आप हो तो समोसा तो ट्राई करना बनता है, क्योंकि इनका समोसा थोड़ा, जो दिल्ली वगैरह में समोसे मिलते हैं जो नॉर्थ में मिलते हैं, उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, इसे ट्राई करना बनता है। चटनी भी एकदम मस्त है, बहुत फ्रेश है नारियल की चटनी, साथ में इन्होंने एक इमली की चटनी दी है, वो भी बहुत अमेजिंग है। सो दोस्तों, अगर आप उड़ीसा आ रहे हो तो यहाँ पे आ करके समोसा ट्राई ज़रूर करना। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग चिलिका लेक पहुंच गए हैं। वही डेढ़ घंटा लगा, हम लोग निकले थे यहाँ से होटल से 9:40 और अभी 11:10 हुआ है, तो वही डेढ़ घंटे समय लगा, जिसमें बीच में हम लोगों ने 15 मिनट रुके भी थे, समोसे मोसे खाए थे। तो अभी फ़िलहाल चिलिका लेक हम लोग आ गए हैं, अब जा रहे हैं यहाँ से टिकट लेने। चलिए आइए देखते कितने टूर पैकेजेस हैं इनके पास। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको दिखाया कि इनके पास दो टूर हैं, एक 4,000 एक 4,500, तो हमने 4,500 वाला लिया है। और यहाँ पे ना पेटीएम चलता है, ना गूगल पे चलता है, ना फ़ोन पे चलता है, सिर्फ कैश चलता है। तो आपको कैश अपना कैरी कीजिएगा। और यहाँ पे इन्होंने ये हमें एक रिसीट काट के दिया है, और अभी हम इसको लेकर के, और एक लाइफ जैकेट दिया है, इसको लेकर के हम लोग अपने बोट की तरफ चले।
दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे हैट्स वगैरह काफी मिल रही हैं, और यहाँ पे खाने पीने का अगर आपको स्नैक्स लेना है तो वो आप ले सकते हो। आगे कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि चिल्का लेक पे कहीं पर भी, तो आप यहाँ से अपने लिए अपना बिस्किट चिप्स या कुछ भी और नमकीन वगैरह कैरी करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेना है तो यहाँ पे एक शॉप है वहीं पे जहाँ काउंटर था उसके बाहर। ये देखिए खूबसूरत चिल्का लेक दिखाई दे रहा है सामने। यहाँ पे रेड क्रैब्स हैं, डॉल्फिन्स स्पॉट होती हैं। अभी इस समय विंटर्स में आए तो माइग्रेटरी बर्ड्स रहेंगी, वो भी हम कोशिश करेंगे कैप्चर करके आपको दिखाने की। और बाकी यहाँ पे एक सी माउथ करके एक तरफ आपको लेक दिखता है, दूसरी तरफ बीच, तो वो भी 4500 में इंक्लूडेड है। तो चलिए फटाफट से नज़ारे लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये टिकट्स लेंगे, चेक करेंगे आपके, और फिर एक जो भी बोट लिखी होगी उसको ये बुला के आपको बिठा देंगे। खूबसूरत चिल्का लेक और उसके खूबसूरत नज़ारे। फ्रेंड्स यहाँ पे अभी हमारा फर्स्ट स्टॉप हुआ है, यहाँ पे रेड क्रैब आइलैंड आ गया है। तो भैया बोल रहे हैं कि अभी हम आप लोगों को रेड क्रैब्स दिखाते हैं जो यहाँ पे मिलते हैं, तो बस हम लोग उसी का वेट कर रहे थे। वो कोई टब में उन्होंने लिए हुए हैं वो दिखाएंगे, बट ये जो पूरा प्लेस है ना ये रेड क्रैब आइलैंड है, ये है पूरा रेड क्रैब आइलैंड। ये बीच में स्पेस है, यहाँ पे देखिए दूसरी भी बोट रुकी हुई है सामने, और अभी यहाँ पे हमें रेड क्रैब्स दिखाएंगे भैया। नहीं डरने का नहीं, ये एक्चुअली ये साइड में रहते हैं, अभी जुआ रहे तो पानी हाइट है इसलिए आपको ऐसे तक नहीं मिलेगा। नहीं अच्छा, वरना किनारे आके दिख जाते हैं। उसका आँख ये सफेद वाला तो दोस्तों ये है खूबसूरत रेड क्रैब्स, कितने क्यूट लग रहे हैं। चलो अभी हम यहाँ पे बाय बाय कहेंगे इनको, चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टॉप पे। तो दोस्तों अभी कुछ 3-3.5 घंटे बोट पे बैठने के बाद अभी इन्होंने एक आइलैंड पे हमें उतारा है। ये यहाँ बोल रहे हैं समुद्र का तट है, मतलब को किनारा है सागर का, तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे दिखाई देगा, और यहीं पे इन्होंने बोला हमें लंच वगैरह भी करना है। तो चलिए देखते हैं भाई यहाँ पे और क्या क्या मिल रहा है, क्या लंच के ऑप्शंस हैं और क्या व्यू मिल रहा है। जैसे कि इन्होंने बोला कि आपको सी दिखाई देगा, तो लेट्स सी चलिए। अभी ये भैया जो जा रहे हैं ना ये हमें बोट पे लेके आए हैं, ये हमें कोई जंगल के रास्ते से ले जा रहे हैं समुद्र का वही तट दिखाने। तो चलिए चलते हैं जंगल के अंदर। सो दोस्तों ये है जंगल की रेत, यहाँ पे अगर आप देखें भी मैं दिखाऊंगी, सिर्फ रेत ही रेत है, उस पर बस जंगल के बीच में हम लोग वॉक कर रहे हैं।
कुछ 100 मीटर्स का है रास्ता और फिर अपना अपने को सी दिखेगा, तो वही देखने बस जा रहे हैं। और बाकी अभी बीच में मैंने यहाँ पे एक पॉम्फ्रेट बोला, इन्होंने बोला कि आप खा के देखिए, लोग सी फूड खाने आते हैं चिली का, तो पॉम्फ्रेट बोला है बनाने। मैंने कहा अगर अच्छी ना हुई तो बोलते अच्छी नहीं होगी तो आप पैसे मत देना। मैंने कहा अच्छा, और बाकी मैगी बोली है। तो जब तक हमारा खाना बन रहा है तब तक हम सी देख के आते हैं। चलिए, ये है रास्ता दोस्तों, इसका रेत से भरा। ये देखिए दोस्तों, इतनी मेहनत, इतना चलने के बाद वाकई में वर्थ इट है। प्रॉपर अपने को बीच दिख रहा है, ये देखिए। और अब हम चलते हैं थोड़ा बीच के आगे, प्रॉपर रेत है यहाँ पे, ये देखिए। दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोगों ने 5-10 मिनट बिताए, बड़े मजे किए बीच पे। अब हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं लंच उन्होंने कैसी पॉम्फ्रेट बनाई है हमारे लिए। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने मंगाया था पॉम्फ्रेट मसाला, जो इन्होंने अच्छे से मसाला लगा के बना दिया है, और ये है मैगी जो मंगाई थी। चलिए सबसे पहले फिश ट्राई करेंगे, देखेंगे ये कैसी है, कैसी बनी है। ये यहाँ का लोकल फूड है, लोकल फिश है, जो ये लोग यहीं से पकड़ के इसे कुक करते हैं। चलिए टेस्ट करते हैं, फिश ट्राई कर रहे हैं फ्रेंड्स हम लोग। जब मैंने फर्स्ट बाइट किया ना, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश वाटर है, तो मुझे थोड़ा सा लगा स्मेल आ रही, बट अभी जैसे मैं खा रही तो ठीक लग रही है। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं है, मसाला वगैरह मैंने अच्छे से लगाया है, टेस्ट ठीक है। ओवरऑल आप ट्राई कर सकते हैं, ये यहाँ का लोकल फूड है तो ट्राई करना तो बनता ही है। और बाकी चिल्का पे यही मिलता है सी फूड, तो क्रैब्स मिल जाएंगे, प्रॉन मिल जाएगा, फिश मिल जाएगी। तो क्रैब और प्रॉन तो मैं नहीं खाती, फिश खाती हूँ, तो मैं इसलिए मैंने फिश ऑर्डर किया था। ये 250 की है इतनी बड़ी फिश, और ये आप आराम से खा सकते हैं। राइस तो नहीं अवेलेबल है, बट अगर आप बोलेंगे तो ये बना देंगे, बट राइस मैंने नहीं बनवाया है, सिर्फ फिश यहाँ पे मैं ट्राई कर रही हूँ। बट ये ठीक है, टेस्ट है ये बहुत। तो यहाँ आप अगर आ रहे हो तो ये आप ट्राई कर सकते हो, एक लोकल फूड है, ट्राई करना बनता भी है। चलिए अभी मैं ये फिनिश करती हूँ, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। सो फ्रेंड्स, ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर। ये देखिए क्रैब है, फिर ये है, ये भी क्रैब्स हैं, ब्लैक क्रैब है, प्रॉन्स हैं, और फिश है इनके पास। तो यहाँ पे जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे इनको बोल दीजिए, ये आपको बना के तुरंत फ्रेश आपको देंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों की बोट राइड कंप्लीट हो गई, अब हम लोग वापस आ गए हैं। अभी चिल्का पे गए, बस यहाँ से निकलेंगे और एक टेम्पल है शायद वो कवर करेंगे, फिर इवनिंग मार्केट स्वर्ग द्वार की, स्वर्ग द्वार बीच की। तो चलिए हमारे साथ इस जर्नी पे कंटिन्यू कीजिए, बने रहिए ब्लॉग के एंड तक सारे मजे लेने के लिए। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग चिल्का से निकल के अलरनाथ टेम्पल आ गए हैं, और यहाँ मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है, तो मैं बाहर से ही आपको दिखा पाऊंगी। सो दोस्तों अलरनाथ टेम्पल के बाद हम लोग आगे सीधा स्वर्ग द्वार बीच मार्केट। तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही कलरफुल सी मार्केट है, बहुत ही सुंदर लग रही है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने टॉप व्यू लिया है इसका, तो बहुत ही कलरफुल अम्ब्रेलाज है, तो बहुत अमेजिंग लग रहा है यहाँ पे। तो चलिए अब नीचे चलते, देखें यहाँ पे और क्या क्या मिलता है इस मार्केट में।
सो दोस्तों मार्केट तो हमने आपको दिखाई एंड आई होप आपको पसंद आई होगी। अब यहाँ पे इसी के बाहर बिल्कुल देखिए काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड है, बहुत अमेजिंग स्ट्रीट फूड है, मतलब नॉन वेज में भी काफ़ी वैरायटी है, वेज में भी है, तो आप यहाँ पे आके आराम से बाहर अपना खाना इंजॉय कर सकते हैं। और बहुत यमी था, हम लोगों ने भी कुछ कुछ चीज़ें ट्राई करी जो हमें बहुत अमेजिंग लगी, तो आप आराम से यहाँ पे अपना मील भी इंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस आई होप आप लोग को हमारा डे टू का जर्नी पसंद आया होगा। अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब पे हिट कर दो और बने रहो हमारे इस ब्लॉग पर। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड लविंग मी। बाय बाय। Thank you.